हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का रीनो को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री एमएचआई 101 का यूनिट 12 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर में हम बात करेंगे चीन की। दोस्तों, ये चीन वाले चैप्टर के अंदर में तीन हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं और तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनकर आता है। टॉपिक क्या रहने वाले हैं, तो इसके अंदर में हम बात करेंगे कि चीन की नौकरशाही व्यवस्था किस प्रकार की थी, चीन की अर्थव्यवस्था के अंदर में किसान और आम जनता का क्या रोल रहा। साथ साथ में हम यहाँ पे बात करेंगे चीन का जो धार्मिक संदर्भ है, कन्फ्यूशियस वाद है, जो अन्य धर्म थे उनकी क्या इंपॉर्टेंस रहे, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनकर आ जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। चीनी राज्य का अगर आप अस्तित्व की बात करोगे तो 221 ईसा पूर्व के आसपास में चीनी राज्य अस्तित्व में आता है। जो शासक किन थे, उनके द्वारा चीन को प्रशासनिक इकाई के रूप में विभाजित किया गया था। नौकरशाही व्यवस्था की स्थापना की गई थी। सम्राट के तौर पर उन्होंने खुद को घोषित किया था। चीन की जो सम्राट होते हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। सम्राट को स्वर्ग पुत्र के तौर पे कहा जाता है कि वह स्वर्ग से आए हुए पुत्र हैं, इसके तौर पे देखा जाता है। शासन के अंदर में जो सत्ता होती है उसका सर्वोच्च स्थान सम्राट को प्राप्त होता है। चीन के बाहर की जो प्रशासनिक सीमाएं होती हैं उसके अंतर्गत भी जनता उनका सम्मान करती है, मतलब राज्य के बाहर भी सम्राट का सम्मान किया जाता है। बाहर जो चीन के बाहर की जो सीमाएं हैं वहां पे प्रशासनिक सीमाओं के बाद भी सम्राट अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। जहां पे चीन के राज्य का सीमा खत्म होती है उसके बाद भी सम्राट अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। नौकरशाही का शासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। नौकरशाही होता क्या है, तो जैसे आप भारत के अंदर में कलेक्टर होते हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, तो एक तरह से क्या है, सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं, नौकरशाही है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे नौकरशाही है। जैसे राजा क्या करता है, कोई रूल बनाता है, रूल को इम्प्लीमेंट करवाने का कार्य नौकरशाही द्वारा किया जाता है। तो जो शासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है कहीं ना कहीं नौकरशाही का माना जाता है। आप बात करोगे यहाँ पे कि चीन में नौकरशाही एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जिसकी नियुक्ति या परीक्षा के आधार पर किया जाता था। ऐसा नहीं होता था कि किसी को भी नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत नौकरशाही के पद पर रख दिया जाता था। एक प्रॉपर एक परीक्षा लिया जाता था, टेस्ट लिया जाता था, उसके आधार पर ही उसकी नियुक्ति की जाती थी। नौकरशाही को कानून और नियमों के आधार पर काम करना होता था। जैसे इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, पद उन्नति किस प्रकार से, प्रमोशन होगा, स्थानांतरण ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, यहाँ तक कि जो चाल चलन व्यवहार क्या है इसको भी इसके अंतर्गत परखा जाता था, उसको देखा जाता था और उसके तहत ही उसके आगे कार्यवाही की जाती थी। अगर किसी का चाल चलन बहुत अच्छा है तो उसका प्रमोशन होता था, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ऐसे व्यक्तियों का किया जाता था जिनका चाल चलन खराब है, तो ये सारी चीजें भी देखी जाती थी। इस नौकरशाही में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए दंड भी सामान्य नागरिक की तरह लागू होते थे। ऐसा नहीं होता था कि अगर कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी है तो उसके ऊपर दंड अलग तरीके से लागू होगा, पर कई जगह पे ये सिर्फ बोलने मात्र की बातें होती हैं। और यहाँ पे आपकी बुक में भी यही लाइन यूज की गई है कि ये बोलने मात्र की बातें हैं, कहीं भी कोई एग्जांपल नहीं मिलता जहां पे नौकरशाही पे किसी तरह का एक्शन लिया गया हो, किसी तरह की कार्यवाही की गई हो, ये पता चलता है। चीन में इनको दंडित करने का कोई उदाहरण नहीं मिलता, जो मैं अभी बोल रहा था उसके बारे में यहाँ पे हम पता चल जाता है, ठीक है। मतलब पर दोनों के ऊपर में, चाहे आम जनता हो चाहे नौकरशाही हो, दोनों पे एक समान कानून लागू होता है, पर कहीं पर भी जो नौकरशाही है उनको दंडित करने का प्रमाण नहीं मिलता, उदाहरण नहीं मिलता है। ये नौकरशाह अपने मामलों के विशेषज्ञ होते थे, वो जिस क्षेत्र में कार्य करते थे उसके वो एक्सपर्ट होते थे, और वो आम जनता, राजनीतिक क्षेत्र हो या किसी और क्षेत्र के वो विशेषज्ञ होते थे, उनको डील करना जानते थे कि किस तरीके से वो डील कर सकते हैं। नौकरशाह प्रशासन के प्रमुख पदों पर नियुक्त किए जाते थे। जो भी एक राज्य के अंदर में किस तरह से राज्य चलना है, जो प्रशासन की नियुक्ति होती थी, प्रशासन को चलाना होता था, प्रशासन का व्यवस्था होता था, उसके अंदर में भी प्रमुख पदों पर इनकी नियुक्ति की जाती थी। आप अगर आप इंडिया के अंदर में भी देखोगे या किसी और स्टेट के अंदर में भी देखोगे तो जो मुख्यमंत्री होता, प्रधानमंत्री होता, उसके आसपास के जो लोग होते हैं, जो उसका सलाहकार हो, सचिव हो, सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं। एक तरह से ब्यूरोक्रेट्स के तौर पर जाते हैं, नौकरशाही व्यवस्था के तौर पर उनका जो वर्क है वो जाना जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री से लेकर नीचे कलेक्टर तक, एसएचओ तक, जो भी एक तरह से पूरा जो व्हाइट कॉलर के अंदर में आ रहा है ना, सारा नौकरशाही व्यवस्था को इंडिकेट करता है। चीन में जो नौकरशाही की नियुक्ति होती थी कड़ी परीक्षा की एक श्रृंखला के द्वारा लिया जाता था। ऐसा नहीं होता था कोई भी टेस्ट दे दो और उसके बाद आप नौकरशाही बन जाओगे, तो एक कड़ी परीक्षा के बाद उनकी नियुक्ति की जाती थी। इनको जो मतलब परीक्षा ली जाती थी उसको कन्फ्यूशियस वाद का ज्ञान का तौर पर देखा जाता था। जो भी व्यक्ति नौकरशाही के अंदर में सिलेक्ट किया जाएगा वही कंपल्सरी होता था कि उसे कन्फ्यूशियाई ज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको इस चीज के बारे में पता है तो वो इसको सिलेक्ट कर सकता था, पास हो सकता था। पास होने के बाद ही नौकरशाही व्यवस्था के अंदर में वो कार्य करता था। कन्फ्यूशियाई ज्ञान होता क्या है, तो कन्फ्यूशियसवाद एक विचारधारा थी
ठीक है, जो आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनकर आता है कन्फ्यूशियस बात के बारे में, कि चीन की कन्फ्यूशियस बात वाली विचारधारा क्या थी, इसकी अवधारणा क्या थी, इसके बारे में क्वेश्चन भी बनकर आता है। इस परीक्षा को लेने के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी होता है कि सभी लोग इसको दे सकते थे। इसके अंदर में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता कि ये एज लिमिट है, ये व्यक्ति दे सकता है, ये व्यक्ति नहीं दे सकता, ऐसा कुछ नहीं होता था। जो भी कन्फ्यूशियाई ज्ञान का जो परीक्षा होता था, इसके अंदर में सभी व्यक्ति के लिए अलाउ किया जाता था, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो, सभी को इसमें बैठने का अधिकार होता था। किसी भी व्यक्ति को बिना कोई भेदभाव बरते इस परीक्षा को देने का मौका दिया जाता था, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो, ये नहीं देखा जाता था। यह परीक्षा हर तीसरे वर्ष आयोजित की जाती थी। परीक्षा की तैयारी करने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। परीक्षा में की तैयारी करने वाले लोगों के पास में 20 वर्ष का समय होता था, 20 वर्ष का समय कम से कम लगता था। मतलब मान लो आप 1 से 20 साल तक तैयारी करोगे तो 20 साल की एज में जाकर आप एग्जाम देने वाले हो, इतना टाइम आपको देना पड़ता था। इस परीक्षा को पास करने के लिए वो पदाधिकारी बनता, जैसे कोई व्यक्ति पास कर जाता था तो उसके बाद वो नौकरशाही पदाधिकारी के तौर पर जाना जाता था। समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी, जिस तरह हमारे भारत के अंदर में होता है कि किसी व्यक्ति की अगर सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसके पेरेंट्स कितने खुश होते हैं, आसपास का जो समाज है वो कितना खुश होता है। एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो आपका दोस्त था वो सरकारी नौकरी लग गया, देखो उस गली में लड़का रहता था वो सरकारी नौकरी लग गया। तो इस तरीके से ये चीजें की जाती थी, मतलब उसका प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। और ये चीज हमारे भारत के अंदर में भी देखने के लिए मिलता है। सम्राट और नौकरशाह दोनों एक दूसरे की जरूरत बनी रहती थी। ऐसा नहीं होता था कि राजा नौकरशाह के बगैर चल सकता है या नौकरशाह राजा के बगैर चल सकता है। सेम चीज आप भारत के अंदर में भी देखोगे, अगर मान लो संसद ने कोई रूल बनाया कि ये वाला कानून ऐसे होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा ही करवाया जाता है और लोगों तक वो कानून को पहुंचाया जाता है। तो दोनों एक दूसरे की जरूरत बनी रहती थी। ऐसा नहीं होता था कि अब चलो राजा की तो जरूरत है कि कानून लोगों तक पहुंचे, तो नौकरशाह को राजा की क्या जरूरत पड़ी। तो सम्राट के द्वारा कोई भी अगर जो नौकरशाह की जो आवश्यकताएं होती थी, किस तरह से क्या चीज चलना है उसकी जो आवश्यकता होती थी, वो सम्राट के द्वारा पूरा किया जाता था, उस प्रशासन के द्वारा पूरा किया जाता था। नौकरशाह को अपनी स्थिति और परीक्षा की पद्धति को वैध बनाए रखने के लिए सम्राट की आवश्यकता होती थी। मान लो आपने राजा के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, राजा को नहीं मान रहे हो या सरकार को नहीं मान रहे हो, तो सरकार क्या करेंगे, भैया जो आपने एग्जाम दिया वो वैलिड नहीं है, आपको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। तो ये चीजें भी देखने के लिए मिल सकती थी। तो जिसके कारण से क्या होता था कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल वर्क करते थे, समानांतर वर्क करते थे। राजा की जो जरूरतें होती थी वो नौकरशाही ध्यान रखा जाता था, ब्यूरोक्रेट्स द्वारा ध्यान रखा जाता था, और जो ब्यूरोक्रेट्स की जो इच्छाएं होती थी वो राजा या प्रशासन द्वारा देखा जाता था। ऐसा नहीं होता था राजा की जरूरतों की हम बात करें तो खान पान बाकी चीजें, ऐसा कुछ नहीं। जैसे राजा की जरूरतें क्या है कि उसकी जो प्रशासन व्यवस्था है सही रूप से चले, सुचारू रूप से चले, जो भी उसका राज्य है सही से फले फूले आगे करे, विकास बढ़े, विकास हो, तो उन चीजों का ध्यान नौकरशाह के द्वारा रखा जाता था। क्या नया रूल ला सकते हैं, किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इन सभी चीजों का ध्यान नौकरशाह के द्वारा रखा जाता था। सेम टाइम के राजा के द्वारा क्या किया जाता था, तो राजा के द्वारा किस तरह से नौकरशाह का ध्यान रख सकते हैं, किस तरह से उसकी पदोन्नति कर सकते हैं, किस तरह से उसका प्रमोशन हो सकता है, किस तरह से जो परीक्षा है उसको वैलिड माना जा सकता है, इन सभी चीजों का वो ध्यान रखा जाता था। नौकरशाह और सम्राट के बीच में खींचतानी, ये भारत के अंदर में भी कई बार स्थिति देखने के लिए मिलती है। ठीक है, यहाँ पे तो अगर आप देखोगे दिल्ली का, अगर हम एग्जाम्पल लेके चले तो जो राज्यपाल है और मुख्यमंत्री, इनके बीच में पावर्स को लेकर खींचतानी होता है। यहाँ पे नॉर्मली खींचातानी होता क्या है, तो खींचातानी होता है प्रशासन को अपने नियंत्रण में रखने का खींचातानी। अगर आप दिल्ली का एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में खींचातानी चल रहा है, तो खींचातानी चल किस लिए रहा है, मुख्यमंत्री बनने का कोई खींचातानी नहीं है, खींचातानी है पावर का, कि कौन उस पावर को अपने पास में रखना चाहता है। खींचातानी है प्रशासन का, कि जो प्रशासन की व्यवस्था है वो कौन अपने हाथ में रखना चाहता है, कितना ज्यादा रखना चाहता है, किस तरह से वह लगाम अपने हाथ में रखना चाहता है, इसकी खींचातानी होती है दिल्ली के अंदर में। तो सेम यहाँ पे बात की जाती है कि सम्राट और नौकरशाह के बीच में खींचातानी की स्थिति। सम्राट इन नौकरशाह को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, जिससे जहां पे भी जरूरत पड़े वो उसको उस तरह हिसाब से रेगुलेट कर सके और उन्हें शक्तिशाली बनने से रोक सके। इसके कारण से सम्राट क्या करता था कि नौकरशाहों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। पदाधिकारियों के लिए कुछ नियम भी बनाए जाते थे, जो भी नौकरशाह के पद पर बैठता था, ऐसा नहीं होता था कि उसको पूरा फ्रीडम दे दिया गया, सब कुछ अधिकार दे दिया गया, वो जो मर्जी कर सके, ऐसा कुछ नहीं होता था। कुछ नियम कानून भी होते थे और भारत के अंदर में भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैसे कि क्या नियम कानून होते थे कि वो अपने जिले में नौकरी नहीं कर सकता, अगर आप आईएएस आईपीएस के अधिकारी हो या आप उसकी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी वीडियो देख रहे स्टूडेंट उनको पता होगा कि जैसे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सेम एरिया में या जिस जगह से आप बिलोंग करते हो बहुत कम चांसेस होता है, रेयर चांस होता है कि आपकी पोस्टिंग वहां पर मिले। एक पद पर 3 साल से अधिक नहीं रह सकता, अगर एक जगह पे 3 साल से अधिक रखा, एक पद पर 3 साल से अधिक रखा, तो आप क्या करोगे, उस माहौल में पूरी तरह से ढल जाओगे,
ठीक है, आपको अपने जो लेन देन है ना पूरा आपस में एक फैमिली वातावरण आप बनाकर चलने लोगों के, ठीक है, जो सरकार मान के चलती है कि ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, फ्रूटफुल नहीं होगा, और आपके लिए नहीं होने मतलब कहने का मतलब क्या, किस गवर्नमेंट के लिए आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या होता है कि एक जगह पे एक पोस्ट पे 3 साल नहीं रखा जाता, उसका प्रमोशन किया जाता है, जिससे आप अगले नेक्स्ट वातावरण में आगे की वातावरण में ढलते चले जाओ, ठीक है, जैसे आगे आगे बढ़ते चले जाओ। नॉर्मली जो मैंने बोला ना कि आपको एक जगह पे ज्यादा समय नहीं रखता या फिर आपको मतलब एक पोस्ट पे नहीं रखता, इसका रीजन क्या होता है, एमएनसी कंपनी में अगर आप कभी वर्क करोगे तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आपने किसी पोस्ट पे इतने टाइम पर तक वर्क किया, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि आपने इतने टाइम तक वर्क किया ना, तो आपके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, कलीग है, सब कुछ आपके दोस्त यार बन जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे नॉर्मली एमएनसी में, कई सारी एमएनसी कंपनी में रूल क्या होता है, उनके दूसरे ब्रांच में आपको शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर एक नया शुरुआत करना होता है। अभी मुझे एक एग्जांपल आप मेरे माइंड में है कि जो एक मॉल के अंदर में अगर कोई बंदा काम करता होगा आपने से, ठीक है, वेस्ट साइड मॉल के अंदर में या कहीं भी, जो भी वेस्ट साइड का मेरे माइंड में एग्जाम्पल है, तो उसमें क्या होता है, वेस्ट साइड मॉल के अंदर में मैंने जो नोट डाउन किया है कि जितने भी इम्प्लॉय काम करते हैं, एक इम्प्लॉय को ज्यादा से ज्यादा साल भर या 1.5 साल एक जगह पे काम करने देते हैं। जैसे ही 1.5 साल हो गया, 6 महीने हो गया, 8 महीने हो गया, और जहां पर भी जो सुपरवाइजर होता है उनको यहाँ डाउट होता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही घुल मिल रहा है, ठीक है, ज्यादा दोस्त यार बन गए, तो उनको क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे मॉल के अंदर में। इसका रीजन ये रहता है क्या कि अगर कोई बंदा नया आएगा किसी जगह पे, तो वो क्या करेगा, नए टाइम के लिए नया आया है तो अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं अच्छा हूँ, जिसके कारण से वो अच्छे से काम कर सकेगा, ठीक है। तो ये भी चीजें रहती थी, और नौकरशाही के साथ में भी ये चीजें देखने के लिए मिलती है। सम्राट के जो प्रमुख दायित्व होते थे वो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना होता था। किस तरह से राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था बनेगा इसके बारे में तय करना, ये सम्राट के प्रमुख दायित्व के अंदर में आता था। प्राकृतिक आपदाओं से जनता की रक्षा करना, ये उनका प्रमुख उत्तरदायित्व के तौर पर जाना जाता था। सैनिक मामलों में सम्राट महत्वपूर्ण सर्वोच्च होता था, ठीक है, सैनिक मामले जो भी होते थे उसके अंदर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सम्राट की मानी जाती थी, सबसे सर्वोच्च भूमिका, सबसे सर्वप्रथम भूमिका जो होती थी सम्राट की होती थी। सभी अधिकारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रण सम्राट के हाथ में होता था। सम्राट प्रत्यक्ष रूप से लगभग 18 प्रांतों पर अपने नौकरशाही नियंत्रित नहीं कर सकता था। जैसे जो भी, जैसे मान लो आपका ये राज्य है, ठीक है, दिल्ली के केजरीवाल मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है, कि दिल्ली में जो केजरीवाल जी है वो मुख्यमंत्री है, तो उनका जो शासन होगा दिल्ली दिल्ली के अंदर में होगा, भले ही वो अलग अलग जगह पे अपने लोगों को भेजे, ठीक है, जैसे इलेक्शन होता है तो पदाधिकारी बना देते हैं कि बिहार का पदाधिकारी ये है, बिहार का जो आम आदमी पार्टी का सचिव ये है, बीजेपी का सचिव ये है, ऐसे करके बनाया जाता है। तो इसका मतलब नहीं है कि वो वहां पर अपना प्रशासन चला सकते हैं या उनका रूल रेगुलेशन वहां पे वर्क कर सकता है, एक सीमा के अंदर ही वर्क किया जाता था। तो सेम चीज यहाँ पे बोला जाता है कि सम्राट प्रत्यक्ष रूप से 18 प्रांतों पर अपनी नौकरशाही नियंत्रित नहीं की, मतलब जो नौकरशाही व्यवस्था था वो हर जगह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। सीमांत प्रांतों, जो सीमांत प्रदेश थे, अपने ढंग से सत्ता चलाते थे, जो भी सीमा से लगे हुए राज्य थे, देश थे, वो अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से उसको चलाया करते थे। इन प्रांतों के मामले में दखल नहीं दिया जाता था, कभी भी सम्राट इन प्रांतों के मामले में दखल नहीं दिया जाता था। जब तक दखल नहीं देते थे, जब तक उन जो भी ये सीमाएं, सीमावर्ती जो क्षेत्र होते थे उनसे खुली चुनौती ना मिले सम्राट के लिए, जब तक दखल नहीं दिया जाता था। जैसे जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते थे, राजा का सम्मान करते थे वो अलग चीज होता था, राजा अप्रत्यक्ष रूप से उन पे शासन करता था वो अलग चीज होता था, पर उनको स्वतंत्रता दिया जाता था, राजा कभी भी उनके मामले में दखल नहीं देता था। राजा कभी भी दखल नहीं देगा जब तक राजा के जो खुली चुनौती ना मिले, इस तरह की चीजें देखी जाती थी। आगे मैं बात करूं तो चीन के अंदर में अगर आप 11वीं शताब्दी की बात करो तो उसके अंदर में सम्राट की जो स्थिति थी उसके अंदर परिवर्तन आता है। सम्राट चाहता था कि पूरी जो सैनिक व्यवस्था थी उसके हाथों में केंद्रित रहे, इस तरह का परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। कोई भी क्षेत्रीय विद्रोह पनप ना पाए, पूरी सैनिक व्यवस्था सम्राट के हाथों में केंद्रित हो, सेंट्रलाइज हो जाए, कोई भी जो क्षेत्र केंद्र में अलग अलग जो दल होते हैं, जो विद्रोह पनपते हैं वो पनपे ना, ठीक है। चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको निरंकुश या तानाशाही कहा जा सकता था, जिस तरह की व्यवस्था अपनाई जा रही थी। वह स्वर्ग और पृथ्वी के मध्यस्थ माना जाता था, राजा जो होता था ये मान के चलता था कि मैं स्वर्ग, जो भगवान जो है स्वर्ग है, स्वर्ग और पृथ्वी उसके बीच में मीडिएटर का वर्क करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं स्वर्ग पुत्र हूँ, स्वर्ग से आया हुआ हूँ, क्योंकि राजा बनने का अधिकार मुझे मिला है, तो मैं स्वर्ग पुत्र के तौर पे हूँ, और पृथ्वी पे जो भी चीज होगा या स्वर्ग में जो भी कुछ होगा मुझे पता होगा, क्योंकि मैं बीच में हूँ, मध्य माना जाता था, मध्यस्थ माना जाता था, मीडिएटर के तौर पे वो वर्क करता था। उस पर प्रकृति के नियंत्रित करने का जिम्मेदारी होती थी, प्रकृति किस तरह से चलेगी, अच्छा भैया बारिश होना है तो आज यहाँ पे बारिश करवा दो, अच्छा कल वहां पे ना राज्य में सूखा करवा दो, तो इस तरह का जो भी प्रकृति को नियंत्रित करने का अधिकार भी राजा को दिया जाता था।
ऐसा नहीं कि राजा प्रकृति को नियंत्रित करता था, मतलब ये मानकर चला जाता था कि राजा जो है ना, राजा भगवान का पुत्र है भैया, स्वर्ग से आया हुआ लड़का है, स्वर्ग से आया हुआ पुत्र है, ठीक है। तो ये क्या एक तरह से भगवान ही है, जो लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, लोग उसका आदर सम्मान कर रहे हैं। तो ये भी देखा जाता था कि अगर भगवान है तो भगवान मर्जी, भगवान की मर्जी से बारिश हो रहा है, भगवान की मर्जी से गर्मी पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, भूकंप आ रहा है, तो उन चीजों का जो कंट्रोल होता था वो भगवान ही कर सकता था, ये भी माना जाता था। अगर मान लो राजा नहीं कर पाता है, बाढ़ को तो रोक नहीं सकता, भूकंप को रोक नहीं सकता, प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकता, राजा के हाथ में है नहीं, अगर उसके शासन काल के अंतर्गत अगर ये चीजें हो जाती थी तो उसको अपशगुन माना जाता था, और ये राजा के जो गद्दी होती थी, सम्राट का जो कर्तव्य होता था, उसके लिए खतरा पैदा हो जाता था, ठीक है। लोग ये अनुमान लगाते थे कि सम्राट जो अपने कर्तव्य को ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से बारिश हुआ, भूकंप आया, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं, ये माना जाता था। और चारों ओर विद्रोह होने लगते थे। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो दिल्ली के अंदर में भूकंप आ गया तो भैया केजरीवाल को ब्लेम करने लग गए कि भैया केजरीवाल के कारण से भूकंप आया। अगर कोई रीजन हो केजरीवाल का, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो, तब तो ब्लेम करना जरूरी बनता है। पर अगर प्राकृतिक आपदा है जहां पे किसी का कोई नियंत्रण नहीं है तो वहां पे ब्लेम तो नहीं कर सकते। पर चीन के अंदर में इस तरह से नहीं देखा जाता था। इसका मेन जो कॉन्सेप्ट आता है ना, इसका इस तरह से देखने का रीजन ये रहता है, क्योंकि जो भी सम्राट थे वो अपने आप को एक भगवान के तौर पे प्रेजेंट किए कि भैया मैं भगवान से भेजा हुआ लड़का हूँ, भैया स्वर्ग का पुत्र हूँ, जिसके कारण से सब कुछ मेरे कंट्रोल में, ये चीजें रहता था। यह समझा जाता था कि वह स्वर्ग से प्राप्त जो शासन करने का जो अधिकार है ना, जिसको स्वर्ग से मिला है कि भैया तुम रेगुलेट करोगे, तुम शासन करोगे, उसका अधिकार खो चुका है, उसको शासन करने का अधिकार खो दिया उसने, इस कारण से बारिश हो रहा है, भूकंप आ रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, लोग ये मानकर चलते थे। सभी सम्राट को राजघराने की स्थिति तथा जो भी भली भांति को जानते थे और निरंकुश काम करने से डरते थे। जो भी राजा होते थे ना, ऐसा नहीं होता था कि वो जो मर्जी कर दे, ठीक है, तो जो भी कदम उठाना चाहते थे राजा, उससे उठाने से पहले चार बार वो सोचते थे कि अगर मैं करूंगा तो उसका इंपैक्ट क्या रहेगा, कहीं लोग मेरे बारे में गलत ना समझ लें, ठीक है, तो उसको उठाने से, कदम उठाने से पहले चार बार सोचते थे, ठीक है। इस तरह की जो विचारधारा होती है ना कि कदम उठाने से पहले चार बार सोचना, ये एक ही कंडीशन में आता है जब आप एक गठबंधन में कार्य करते हो। भारत के अंदर में कई सारे गठबंधन सरकार आई और इस बार भी एक इंडिया करके गठबंधन बना जिसमें 26 से 28 दल टोटल मिले हुए हैं। तो जब आप एक गठबंधन ग्रुप में कार्य करते हो ना, तो सबकी एक मेंटेलिटी अलग होती है, वहां पे प्रेशर अलग होता है, जिसके हाथ में डिसीजन लेने का काम होता है ना, उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। पर अगर आप मान लो सिंगल पर्सन हो, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तो वहां पे किसी तरह का प्रेशर आपको फेल देखने के लिए नहीं मिलता है। और एक भी ये भी चीज देखा जाता है कि अगर आप प्रेशर फ्री होकर कार्य करोगे तो अच्छा कर सकते हो। कई बार ये माना जाता है कि आप प्रेशर जब आपके ऊपर रहेगा तब अच्छा कार्य कर सकते हो, पर ये अलग अलग विचारधाराएं के तौर पर देखी जाती है। चीन का जो समाज था, मुख्य किसानिक समाज के तौर पे जाना जाता था, जो खेतीबाड़ी करते थे, खेत जोतने वाले खेतिहर किसान, तरह तरह के कृषि दास के तौर पर, मतलब इन्हें कृषि दास नहीं कहा जाता था, खेती जोतने का तो कार्य करते थे पर ये कृषि दास के तौर पे नहीं जाने जाते थे। जमीन उनकी अपनी हुआ करती थी, वे राजा को कर दिया करते थे। समय के साथ साथ पे करों का बोझ भी बढ़ता जा रहा था इनका, खेत बढ़ते गए और छोटे होते चले गए। जैसे मेरे पापा का जो खेत है, हम दो भाइयों के बीच में बंटने वाला है, तो इस तरीके से वो छोटा होता चला जाता था। किसान बड़े भूपतियों के यहाँ कष्टकार के रूप में कार्य करते थे, ठीक है, बेगार के तौर पे भी खटा करते थे। जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, भूपति होते थे, उनके यहाँ पे बेगार या कष्टकार के तौर पे खटा करते थे। खटा करना मतलब वहां पे मजदूरी करना, खट्टा खट्टा वाला खट्टा नहीं, खटना, ठीक है, मजदूरी करना। इस रूप में इनका शोषण किया जाता था। जैसे वो बड़े बड़े भूपतियों के यहाँ पे कर देते, तो ऐसा नहीं होता था कि कुछ उसको पैसा दिया जा रहा है या कुछ और दिया जा रहा है। जो भी उनका उपज होता था, अगर मान लो कोई किसान है, किसी का उपज हुआ खेत के अंदर में, तो उपज का आधा हिस्सा या फिर उससे भी अधिक ले लिया जाता था कर के रूप में। केंद्रीय नियंत्रित कमजोर होने के कारण से क्या होता था कि जो पदाधिकारी हैं उनके शोषण को रोकने में नाकाम होते चले जाते थे। अगर केंद्रीय नियंत्रण, अगर मान लो जो मोदी गवर्नमेंट है, इस समय पे काफी सारी चीजें आप देखोगे बदलाव आया, जहां पे पैसे की जरूरत होती थी चीजों को करने के लिए, अब डिजिटल होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका केंद्रीकृत जो सेंट्रलाइजेशन पॉलिसीज है ना, जो वहां पे लीड करने वाले लोग हैं, अगर वो सही है तो बाकी जो व्यवस्था अपने आप सही हो जाती है, ये भी देखा जाता है। अगर ऊपर वाला बंदा ही खराब है तो नीचे वाले लोग सारे खराब ही रहेंगे, ठीक है, ये भी रहता है। इसका आप एग्जांपल इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे देखो, आपके अगर पापा मम्मी ठीक है, आपके पापा मम्मी अगर अच्छे हैं तो आपको अच्छे ज्ञान देंगे, आपको अच्छी शिक्षा देंगे, आपको अच्छा संस्कार देंगे, तो आप भी अच्छे बनोगे, ठीक है। रेयर चांसेस होते हैं कि कुछ बच्चे फिनोमिनल निकल जाते हैं, बट नॉर्मली क्या रहता है कि जो भी पूर्वज आपके हैं, जिस तरीके से आप उनसे सीखते हो, आप उनसे लर्न करते हो, तो वो चीजें यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है, कि किस तरह से केंद्रित नियंत्रण अगर वो सही है तो बाकी चीजें भी सही तरीके से डिलीवर हो सकता है, सही तरीके से चल सकता है, यहाँ पे ये माना जाता था। किसान जो होते थे खेती छोड़कर चोरी डकैती करने लग गए थे। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में चीन की जो कृषि अर्थव्यवस्था के अंदर में परिवर्तन देखा जाता है।
यहाँ पे आंतरिक और विदेशी व्यापार बढ़ जाता है जिससे वाणिज्यिक उपकरणों का विकास होता है, कागजी मुद्रा का प्रचलन बढ़ जाता है, ठीक है, बड़े व्यापारिक घरानों का उदय होता है, शहरों एवं नगरों में तेजी से वृद्धि होती है और साक्षरता जो दर होता है उसका भी तेजी से विकास देखा जाता है। एक अगर आप यहाँ पे बात करोगे कि एक शहरी संस्कृति की विकसित होती है इस टाइम पीरियड के अंदर में, जिसमें ऐसे चीनी समाज विकसित हुआ जो पहले जो उत्तम समाज के तौर पर जाना जाता था। 10वीं शताब्दी की आधी शताब्दी के अंदर गृह युद्ध चलने के बाद में तांग वंश खत्म हो जाता है। सभी बड़े अभिजात वर्ग अपने अभिजात वर्ग परिवारों के सदस्यों की हत्या कर जाती है। जितने भी बड़े बड़े अभिजात वर्ग थे उनके परिवारों के सदस्यों की हत्या कर दी जाती है। भू संपदाओं को भी नष्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जो स्थिति उभरती है उसने साम्राज्य में सैनिक शक्ति अपने हाथों में लेने का प्रयत्न किया। इसके बाद चीन का में जो वर्ग उभरता है वो भद्रजन कहलाता है। जब चीन के अंदर में जो भी अभिजात वर्ग था वो खत्म होता चला जाता है, सैन्य शक्ति प्रशासन को अपने कंट्रोल में लेने का कोशिश करता है, तो जो उस समय एक वर्ग उभर कर आता है उसे भद्रजन के तौर पे जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार बनकर आ जाता है टिप्पणी के अंदर में, भद्रजन क्या होता है, किस तरीके से इसको देखा गया, भद्रजन किस में आते हैं, उसके कार्य क्या थे, तो इस तरह से टिप्पणी बेसिस क्वेश्चन के अंदर में भद्रजन का उपयोग किया जाता है। लोग हुआ करते थे जिनको भद्रजन कहा जाता था, चीन के अंदर में एक वर्ग जिसे भद्रजन के तौर पर माना जाता था। इस वर्ग के पास भू स्वामित्व, शिक्षा और सरकारी नौकरी होती थी, ठीक है, जिससे वे अपनी शाही सेवा में सफल होते थे और जिससे ये लोग प्रतिष्ठा पा सकते थे, समाज के अंदर में प्रतिष्ठा इनको मिल सकती थी। शाही परीक्षाओं में भी किसी वर्ग को बैठने का अधिकार प्राप्त होता था, ऐसा नहीं होता था कि किसी को रोक टोक हो जा सके। इन परीक्षाओं को पास करके वो प्रतिष्ठित जनों में अपनी गिनती करवा सकते थे, ठीक है। इन भद्रजनों का चीनी समाज पर वर्चस्व कायम हो गया, इससे राजनीतिक शक्ति का भी को भी बल मिला। जो राजनीतिक शक्ति है, पॉलिटिकल पावर, उसको भी यहाँ पर बल मिलते हुए देखा जाता है। स्थानीय स्तर पर अगर आप कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की बात करते हो तो औपचारिक रूप से भद्रजन ने यहाँ पे कार्य करते हैं, ठीक है, भद्रजन यहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चीनी समाज में जो व्यक्ति की अपेक्षा परिवार या कुल चीनी समाज का आधार माना जाता था, यहाँ पे एक व्यक्ति इंपॉर्टेंस नहीं रखता, जो उसकी फैमिली होती है, ठीक है, या कुल होता है वो इंपॉर्टेंस रखा जाता है। इसका मेन रीजन ये भी देखा जाता है कि जो चीनी समाज वो प्रतिसत्तात्मक तौर पे जानी जाती थी, जहाँ पे एक पिता के बाद उसका पुत्र, उसका बाद उसका पुत्र, इस तरह से पितृसत्तात्मक समाज के तौर पे विकसित हुआ। लोगों के घर काफी बड़े होते थे, परिवार संयुक्त होते थे, अर्थात एक ही छत के नीचे परिवार का मुखिया, उसका बेटा, उसका परिवार खुशी खुशी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में धार्मिक प्रथाएं भी अपना महत्व रखती थी। कन्फ्यूशियसवाद में चीनी परिवारों को बहुत गहरी आस्था थी, जो भी चीन के लोग थे वो कन्फ्यूशियसवाद के अंदर में विश्वास रखते थे। इसी धर्म में ईश्वर के अस्तित्व, मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं आदि प्रश्नों पर विचार नहीं किया गया। इस धर्म के अंदर में ओनली, ठीक है, मृत्यु के बाद जीवन, जो ईश्वर का अस्तित्व, इन सब चीजों के बारे में विश्वास नहीं किया गया, विचार नहीं किया गया। सॉरी, चीन के लोग अलौकिक और अदृश्य शक्तियों में विश्वास भी रखते थे, ये भी देखा जाता था। अगर मैं आगे बात करूं, चीन में कन्फ्यूशियस जो बात था वो 6वीं शताब्दी के अंदर में इंट्रोड्यूस होता है। जो कन्फ्यूशियस बात के जो दार्शनिक होते हैं उनके उपदेशों के कारण ये जो कन्फ्यूशियस बात की विचारधारा देखी जाती है। इसके उदय के पीछे जो तत्कालीन कारण आप देखोगे तो चारों ओर अशांति का माहौल था जिसके कारण से उदय हुआ। सामाजिक और राजनीतिक जो संस्थाएं थी वो टूट रही थी, उन पे भरोसा छूट रहा था लोगों का, जिसके कारण से कन्फ्यूशियस बात का उदय होता है। इस माहौल में कन्फ्यूशियस बात ने इस अवस्था से मुक्ति दिलाने और व्यवस्था तथा नैतिक मूल्य को पुनर्स्थापित करने पर जोर दिया। उसके दर्शन का केंद्र बिंदु यह था कि बच्चों में नैतिक पुरुष का निर्माण करके यह उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती थी। यदि काम का सही व्यक्तियों के हाथ में होगा तो समाज में शांति सद्भावना पुनः लौट सकेगी, ये भी माना जाता था। कन्फ्यूशियस के जीवन काल में ही उसके कई शिष्य बने। जब कन्फ्यूशियस का जीवन काल चल रहा था तो उसी टाइम पीरियड के अंदर में कन्फ्यूशियस के कई सारे शिष्य भी बनते हैं। इसकी विचारधारा जो थी, चीनियों के सोचने के ढंग, आचरण और इनकी प्रमुख संस्थाओं के आमूलचूल परिवर्तन किया जाता है। उसके अंदर में जो भी इनकी विचारधारा थी, उनकी संस्थाएं थी, उनके कार्य करने का जो प्रोसेस था उसके अंदर में परिवर्तन यहाँ पे देखा जाता है। इसके जो उद्देश्य थे, इसके उद्देश्यों द्वारा चीनी व्यापारियों को सकारात्मक परिसक्रिय रूप से एक्सेप्ट किया जाता है। शिक्षा और सार्वजनिक सेवा पर बल दिया जाता है इस विचारधारा के अंतर्गत। व्यक्तियों के सामाजिक उत्तरदायित्व को बल मिलता है। ताओ धर्म, यहाँ पे ताओ धर्म है क्या,
तो जिस तरह से कन्फ्यूशियस वाद है उसी तरह का एक दूसरा सिमिलर धर्म है जिसको हम ताओ धर्म के तौर पे जानते हैं। ये भी कई बार टिप्पणी में क्वेश्चन बनकर आ जाता है कि ताओ धर्म क्या है, कन्फ्यूशियस वाद क्या है, ये टिप्पणी के अंदर में अक्सर क्वेश्चन देखे जाते हैं। अगर आप MHI 101 का अगर आप असाइनमेंट अभी तक अपने सॉल्व नहीं किया है तो मैं अभी द इन अप पर वीडियो डालने वाला हूँ जहां पर मैं उसको असाइनमेंट को बनाने वाला हूँ। और साथ साथ में अगर आप गूगल ब्लॉगर को अभी तक आप फॉलो नहीं कर रहे हो द इन अप के, तो उसको जरूर फॉलो करें। वहां पे जो भी आपके चैप्टर के नोट्स हैं, जैसे ये वाला पढ़ रहे हो ना चैप्टर, इसके नोट्स भी वहां पे मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता हूँ, तो वहां से आपको नोट्स फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होगा टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जुड़ सकते हो। कन्फ्यूज बात हो गया, ताओ धर्म हो गया, इस तरह के टिप्पणी बेसिस क्वेश्चन के अंदर में भी ये आते हैं। ताओ धर्म और कन्फ्यूज बात जो था एक लगभग एक ही समय में चीन के अंदर में उभरते हैं। इनकी शुरुआत एक साधारण आध्यात्मिक दर्शन के रूप में देखा जाता है। ताओ धर्म के जो संस्थापक थे लाओ जी माने जाते हैं। कन्फ्यूज वाद और ताओ धर्म के अंदर में अंतर देखा जाता है। ताओ धर्म के का अगर देखोगे आप, सामाजिक राज्य और नैतिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं होता था, बल्कि प्राकृतिक सहजता, जीवन के प्रति आनंद, इसका प्रमुख दृष्टिकोण के तौर पर जाना जाता था। ताओ धर्म के अंदर में सामाजिक और राज्य के अंदर में क्या नैतिक मूल्य है उनसे उसका कोई लेना देना नहीं होता था, क्या रूल रेगुलेशन उससे उसका कोई मतलब नहीं रहता था, पर वहीं पर ये बात करते थे प्राकृतिक का, सहजता का, जीवन के प्रति आनंद का, इसके दृष्टिकोण के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बौद्ध धर्म भी चीन के अंदर में देखा जाता है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, ठीक है, उनका बचपन का नाम क्या था, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक का बचपन का नाम क्या था, ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो बौद्ध धर्म के संदर्भ में भी अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो बौद्ध धर्म के संबंध में भारत और चीन का गहरा संबंध माना जाता है, क्योंकि भारत के अंदर में ही जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपको बताना है। तो भारत और चीन के अंदर में गहरा संबंध माना जाता है बौद्ध धर्म को लेकर, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई भारत के अंदर में हुई, भारत के अंदर में उन्होंने बौद्ध धर्म का विकास किया और धीरे धीरे करके चीन के अंदर में उन्होंने चीन के अंदर में विस्तार किया इसका। पहली शताब्दी की आप अगर बात करो तो आसपास में भारत के अंदर में बौद्ध धर्म चीन से आया था, भारत से बौद्ध धर्म चीन आया और धीरे धीरे फैलता चला गया। ठीक है, भारत से चीन गया था, इसे चीनी शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ, चीनी जो शासक थे उन्होंने इस धर्म को माना। बौद्ध धर्म काफी ताकतवर हो गया था, बहुत ज्यादा फैलाव हुआ, लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया। चीन में बौद्ध धर्म का महायान शाखा ज्यादा प्रभाव रहा, जिससे संसार में व्यापक दुख की प्रकृति का एक ठोस दार्शनिक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों ये पूरा चैप्टर था यूनिट 12 का, ठीक है, ये मैंने जो आपको बताया। इसके अंदर में नॉर्मली अगर आप टॉपिक की बात करो तो कन्फ्यूशियस वाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे ताओ धर्म बौद्ध धर्म दोनों को आप डिफाइन कर सकते हो इजिली, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है किसानों का समाज किस प्रकार था। ठीक है, चीन के जो मुख्य समाज थे, किसान की बात करो, ठीक है, आम लोगों की बात करो, लेबर क्लास की बात करो, तो उनका ये क्या रोल रहा, स्पेशली यहाँ पे हम किसानों की बात कर रहे हैं, फार्मरों की बात कर रहे हैं, जो किसानी समाज था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे नौकरशाही व्यवस्था, चीन की नौकरशाही व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन ज्यादा कोई क्वेश्चन कम, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपके एक एक सब्सक्राइब करने से, एक एक लाइक शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से मेहनत करें और आप तक अच्छे से वीडियो बनाकर लेकर आए। ठीक है, अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो हम मोटिवेटेड होते हैं और अच्छे से वीडियो बना पाते हैं और हार्डवर्क कर पाते हैं। तो आप चाहते हो कि हम इसी तरह से हार्डवर्क करते रहे, इसी तरह से आपके लिए वीडियो बना के लेकर आते रहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर मैं वीडियो एंड करूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।